गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं किरण मोरे आज एक टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ बात करने के लिए डिस्कशन करना चाहता हूँ। बहुत दुखद घटना है जो राजकोट के अंदर अभी घटित हुई है। कल शाम को ही ये सारी चीज़ें जो है उसके मैसेज सभी लोगों को मिले हुए हो गए। और TRP गेम जोन जहाँ पर यह घटना हुई है, बहुत सारे लोगों ने YouTube के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने ये सारी इन्फॉर्मेशन देखी होगी। और आज कुछ बातें उसी चीज़ को रिलेटेड मैं करना चाहूँगा और मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ बांटना चाहूँगा। आज से तकरीबन एक साल पहले उसी जगह उसी प्रीमाइसिस के ऊपर मुझे इन्वाइट किया गया था वहाँ के मैनेजमेंट के थ्रू आउट, और मैं पर्सनल खुद वहाँ पर मीटिंग करने के पर्पज़ से गया था। उनका पूरा डेवलपमेंट मैंने वहाँ पर देखा, उनके साथ मैंने विजिट की, उनके मैनेजर के साथ मेरी डिस्कशन हुई, बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी शेयर की। और फिर मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने बताया कि आगे का जो भी फर्दर डिसीजन रहेगा वो अपने हिसाब से लेंगे और फिर किस तरीके से आगे बढ़ना है वो अपना बताएंगे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे आज एक साल के बाद रियलाइज़ हुई कि काश उस टाइम के ऊपर मैंने अप्रोच उनको अच्छी तरीके से किया होता, और ज़्यादा फॉलोअप अगर मैंने लिया होता, और सिस्टम और मैनेजमेंट का कितना इम्पोर्टेंट है उनको अगर मैंने अच्छी तरीके से समझाया होता तो काश ये हो सकता कि आज जो दुर्घटना हुई है वो ना होती। क्योंकि यही सिलसिला हमारा चलता है हर एक कंपनी के अंदर, क्योंकि जितनी भी अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन है उनको डेवलप करने का बेड़ा हमने उठाया है। गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड जो फर्म है उसका एक मोटिव है कि हर बिजनेसमैन ग्रो हो, हर कंपनी जो है वो फॉर्च्यून 500 के अंदर जाए और अपना नाम जो है वो लिस्टेड कराए। और वो पॉसिबल होता है जहां सिस्टम और मैनेजमेंट जो होती है वो एस्टैब्लिश होती है। आज यहां पर जो चीज़ें हुई है उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं अलग अलग बिजनेसमैन लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 8 साल के अनुभव में मैं बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के अंदर विजिट में गया हूँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर गया हूँ, और वहाँ पर पर्सनली मैंने इन चीज़ों को देखा हुआ है कि उनका काम करने का तौर तरीका कैसा रहता है। तो सबसे पहला लर्निंग यहाँ से हमें जो लेने की आवश्यकता है वो ये है, हमारी बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर चीज़ों का रजिस्ट्रेशन होना और उसका लाइसेंसिंग करना। क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ एक बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती हैं जब उन छोटी गलतियों का मुआयना हम करते नहीं हैं, और बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों को जब नज़रअंदाज किया जाता है तो वही चीज़ कल उठ के एक बड़ा स्वरूप लेती है। जैसे कि बेसिक कुछ चीज़ें होती है जो हर एक कंपनी के अंदर होनी ज़रूरी है, जहाँ पर मैं बताना चाहूँगा हेल्थ और सेफ्टी के रिलेटेड। जैसे कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर 5S प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, और 5S प्रोसेस को फॉलो करने का सबसे बड़ा पर्पस ही ये होता है कि हर कंपनी जो है वो सिस्टम के थ्रू आउट काम करे, हर एक पर्सन जो वहाँ पर काम कर रहा है उसकी सेफ्टी जो है वो हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि आज उस पर्सन के थ्रू आउट ही हम अपने बिजनेस को ग्रो करने का काम करते हैं। 5S प्रोसेस के अंदर बताया जाता है कि सबसे पहले हमें हर जगह को क्लीन करना ज़रूरी होता है, हर चीज़ों को सिस्टम के हिसाब से सेटअप करना ज़रूरी होता है, और हर हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर हर चीज़ों का मुआयना करना ज़रूरी होता है, और हर चीज़ों से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जहाँ पर काम करने वाला हर बंदा अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ काम करे। फिर उसके बावजूद भी कई बार अगर हमसे गलतियाँ हो जाती है, जैसे कि ये घटना तो आप लोग देखेंगे, यहाँ पर वीडियो के माध्यम से भी हमारे जो वीडियो शूट करने वाले पर्सन हैं वो आपको दिखाएंगे लाइव कि क्या सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुई थी और क्या हालात हुई थी। अब मेरा सवाल आप लोगों को है कि वहाँ काम करने वाले जो पर्सन थे, जो अपना गांव, अपना घर छोड़कर वहाँ पर आए थे अपना करियर बनाने, तो उनकी क्या गलती? जितने भी लोगों ने वहाँ पर
एंजॉयमेंट के पर्पज़ से अपने घर से बताकर वो निकले थे। वो जितने भी बच्चे वहाँ पर थे, जितने भी कपल वहाँ पर थे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर आए थे, उन सब लोगों की क्या गलती? क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी है कि गलती किसी की हुई है और उसका भुगतान जो है वो अपने सामने हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को करना पड़ रहा है। आज जिनके माँ बाप, जिन्होंने अपने बच्चे को खेलने के लिए अपने घर से बाहर भेजा होगा और जिनको सडनली पता चला होगा कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, उनके दिल के ऊपर क्या फील होता होगा वो अभी भी मैं महसूस नहीं कर पा रहा, क्योंकि आज मेरा भी एक बच्चा है और मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे को अलग अलग जगह में घुमाओ। लेकिन जब जहाँ हम एंजॉय करने के लिए जाते हैं, एक एक्साइटमेंट के साथ जब हम जाते हैं और उस जगह जाकर ऐसी कोई सिचुएशन जब हमारे सामने घटित होती है, तो लोगों को सोचने का टाइम नहीं मिल पाता है, लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तीसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कि जो स्ट्रक्चर हम वहाँ पर बनाते हैं और जिस स्ट्रक्चर के अंदर अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, वहाँ पर आए हुए हर एक पर्सन का सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है, और उसी के साथ जो लोग काम करने वाले हैं उन सभी लोगों का इंश्योरेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें हम जब LDP प्रोग्राम हमारा होता है, जब हम किसी कंपनी की कंसल्टिंग कर रहे होते हैं, जब बिजनेसमैन लोगों के साथ हम 1-to-1 बैठते हैं, उस टाइम पर ये बातें हम लोगों को बताते हैं। उस टाइम पर कुछ लोग सीरियसली होकर उसके ऊपर काम भी करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनने के बाद भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते। और आज ऐसे लोगों को ही ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि एक सिस्टम और मैनेजमेंट कितना ज़्यादा डिफरेंट क्रिएट करता है, और एक सिस्टम और मैनेजमेंट जब बिल्ड नहीं होता है तो उसको लेकर क्या चैलेंजेस होती हैं। आज वहाँ पर काम करने वाले जितने भी लोग थे या जितने भी टीम मेंबर थे, उन सभी लोगों को लेकर कुछ बातें जो है वो मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। चौथी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जितने भी लोग वहाँ पर काम करने वाले थे, जो टीम मेंबर वहाँ पर वर्क कर रहे थे, उनके खुद के भी कुछ लॉस होते हैं। जिस लोग के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कि जिन लोगों के साथ हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए और उनको साथ में लेकर आगे बढ़ा जाए। पांचवी चीज़ जो हमें वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है पूरा ऑपरेशनल वर्क जो वहाँ पर हो रहा था, जो जो चीज़ें वहाँ पर इक्विपमेंट रखे गए थे, जो जो बेसिक चीज़ें वहाँ पर रखी गई थी, उसका सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यही घटना जो आज आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रही है, हो सकती है वही गलती जब हम दोहराएं तो हमारे कंपनी के अंदर भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और उसका ध्यान रखना उतना ही ज़्यादा आवश्यक है। आज से 2 साल पहले एक कंपनी की हम कंसल्टिंग कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग का वो काम करते हैं, राजकोट के अंदर ही है। उन्होंने अपने लोगों को रहने के लिए जो फैक्ट्री थी वो फैक्ट्री के ऊपर उन्होंने घर बनाए थे और वहाँ पर उनके परिवार जो थे वो रहते थे। सडनली एक किस्सा हुआ कि उनके घर पर रहने वाली जो एक छोटी सी लड़की थी 16-17 साल की, वो खेल रही थी वहाँ पर, और खेलते खेलते उसको पता नहीं था, उसने कुछ ऐसी चीज़ को छू लिया जो वहाँ से एक हाई वोल्टेज वायर जो था वो उनके घर के ऊपर से जा रहा था। और सडनली ऐसा किस्सा हुआ कि कुछ सेकंड के अंदर वो कनेक्ट होते ही 2 या 3 मिनट भी नहीं लगा होगा उसकी डेथ हो गई। उसके घर वाले उस सिचुएशन को सोच ही नहीं समझ ही नहीं सके, वो तुरंत दौड़े, वो दौड़कर उन्होंने ऑनर से बात की, ऑनर को साथ में लेकर और सारी चीज़ों को साथ में लेकर वो नज़दीक के अस्पताल के अंदर गए। लेकिन जब अस्पताल में जा रहे थे, रास्ते में ही उस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। जब उस ऑनर के साथ हम कंसल्टिंग कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू था और वो खुद अपने दास्तान बता रहे थे कि वो बच्ची जब आई थी तो एक छोटी सी बच्ची थी, उसको बड़ा होते मैंने देखा था, और वो बच्ची उनकी नहीं थी, वो बच्ची मेरी खुद की थी, वैसा सोचकर मैं कई बार थिटूर जाता हूँ।
और ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तब हमें अपने आप को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उस प्रीमाइसिस के अंदर ऐसा बहुत सारी चीज़ें पहले से हो सकती थी अगर उसका प्रॉपर ढंग से ध्यान रखा जाता, मैनेजमेंट अगर सबसे पहले अलर्ट होता तो उसका फोकस ये रहता कि आने वाले लोगों का सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। और बहुत सारा क्राउड जब एक साथ इकट्ठा होता है क्योंकि छुट्टी का टाइम है, लोग घूमना चाहते हैं, तो उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती थी जिसका पहले से ध्यान रखा जाए। और सोशल मीडिया का ज़माना है, मुझे पता है आने वाला एक हफ्ता 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा महीना लोग ये सिचुएशन को याद रखेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं लोग भूल जाएंगे और फिर से अपने रूटीन के अंदर लोग आ जाएंगे। लेकिन सवाल रहेगा उनका जिन लोगों के जिंदगी के अंदर इसका बहुत ही बड़ा हिस्सा हुआ है, जो परिवार इस पोजीशन के साथ अपने आप को जोड़ कर रखे हुआ है। और उन लोगों को बताने के लिए कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा किसी भी कंपनी में काम करने का सबसे बड़ा मोटिव ही होता है कि हर बंदा वहाँ पर काम करके ग्रो करे और ग्रो करने के लिए उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। तो जब किसी भी कंपनी के अंदर हमारा HR मैनेजमेंट का काम होता है, किसी भी कंपनी के अंदर जब बिजनेस मैनेजमेंट का काम हम करते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर जब सिस्टम और मैनेजमेंट को सेट करने का काम करते हैं, तो एज अ कंसल्टेंट ये हमारा रोल होता है कि उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस वहाँ पर करवाई जाए और वो प्रैक्टिस करने के बाद उसका ऑडिट हमारे थ्रू आउट लिया जाए। और वो ऑडिट जब होता है तो ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो सकती और ऐसी घटना होने से बच जाती है। तो मेरी आप सभी लोगों से ये गुजारिश है और मैं आप सब लोगों को ये रेकमेंड भी करना चाहूँगा कि आपके नियर एंड डियर में जितने भी उद्योग साहसी है या जितने भी बिजनेसमैन हैं, उन लोगों तक ये मैसेज को आप पहुँचाएं और उनको भी एक क्वेश्चन मार्क करें कि आज जो घटना ये गेम जोन में हुई है, क्या अगला नंबर आपकी फैक्ट्री या आपकी कंपनी का हो सकता है? और अगर ये सिचुएशन में आपको नहीं आना है तो आज ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपके वहाँ सिस्टम और मैनेजमेंट स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार पैसा कमाना ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए। जिनके थ्रू हम बड़े हो रहे हैं उनका ध्यान रखना भी हमारी उतनी ही जवाबदारी है। तो एक नागरिक के थ्रू, एक बिजनेस कंसल्टेंट के थ्रू, एक कोच के थ्रू मेरा ये मैसेज आप सभी लोगों को मैं आज देना चाहता हूँ कि आपको खुद को अपनी सेफ्टी का और सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखना पड़ेगा। आपके इधर इधर अगर कहीं पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर इनसिक्योरिटी है, तो उस जगह का ध्यान आपको खुद को रखना पड़ेगा और आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी पड़ेगी। आज अगर आप एक छोटे बच्चे हो तो आपको अपना ध्यान खुद रखना है। आज अगर आप कहीं पर काम करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ की सेफ्टी किस तरीके से है उसका मुआयना आपको खुद करना है। और कुछ भी चीज़ों को लेकर अगर एक छोटा सा डाउट अगर आपके माइंड में आता है तो आपको अपने मैनेजमेंट के साथ इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करके ये छोटे से छोटे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ टाइम पहले की घटना अब मुझे यहाँ पर याद आ रही है, सेम सिचुएशन क्रिएट हुई थी एक ट्यूशन क्लास के अंदर, और वो ट्यूशन क्लास जो था वो सूरत में था। उस ट्यूशन क्लास के टॉप फ्लोर के ऊपर सेम सिनारियो ये क्रिएट हुआ था, अचानक से आग लगने के कारण वहाँ पर रहने वाले बच्चे को ये पता ही नहीं था कि कैसे उस सिचुएशन में बाहर आ जाए। और वही घटना के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रखने के बाद फिर से ये रिपीट घटना हुई है। तो ऐसी घटना है फिर से दोबारा रिपीट ना हो तो आपको अपने बच्चे को कहीं पर अगर आप भेज रहे हो या आपके परिवार के सदस्यों को अगर कहीं पर काम पर अगर आप भेज रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, और ना कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, हम इस सिचुएशन के अंदर एक साथ खड़े होंगे और आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन दोबारा रिपीट ना हो इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। और उसके लिए जितना अवेयरनेस हम लोगों को दे सके, जितना नॉलेज हम लोगों को दे सके और जितना लोगों को हम कैपेबल सक्षम बना सके, उन चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे। सो मेरी ओर से ये मैसेज जो है वो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि खुद की जिम्मेदारी खुद उठाए,
खुद की सेफ्टी का ध्यान खुद रखे, और खुद जब सेफ हो जाए तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपके आजू बाजू वाले लोगों को सेफ करना वो आपकी जिम्मेदारी रहे, और ये जिम्मेदारी हम सब लोग मिलकर उठाएंगे। और इसी के साथ ये जो वीडियो है वो हम यहाँ पर होल्ड करते हैं, और मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि यही चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, जिसका ध्यान वो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें। थैंक यू सो मच।